आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। हम सब जानते हैं कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर के शिव भक्त कांवड़िए करोड़ों की संख्या में मुजफ्फरपुर से निकलते हैं। इसलिए पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा शहर, मेरी पूरी विधानसभा और हमारा पूरा जनपद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर बिल्कुल कांवड़ियों के स्वागत के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए पलक पावड़े बिछा करके बिल्कुल तैयार हैं। अभी जिलाधिकारी हमारे द्वारा, हमारे अन्य अधिकारियों के द्वारा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण हो रहा है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से सफाई, यातायात, शौचालय, स्वच्छता, यानी किसी प्रकार की सुविधा उनको ना हो। जो हमारे सब जनपदवासी, नगरवासी हैं, वे भी पूरे 15 दिन करोड़ों कांवड़ियों की बिल्कुल पलक पावड़े बिछा करके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तैयार रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के भी हेलीकॉप्टर से आकर के कांवड़ यात्रा के दर्शन करने की और पुष्प वर्षा करने की पूरी संभावना है, उन्होंने बात हमसे कही भी है। पिछली बार भी ADG ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि DJ कांवड़ में जरूर बजेंगे। कांवड़िए पूरे परिश्रम के साथ चलते हैं, पूरे अपनी आस्था के साथ चलते हैं। इसे DJ जो पिछली अखिलेश यादव जी की सरकार में कांवड़ पर DJ लेकर चलने पर प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध माननीय मुख्यमंत्री हटा दिया है। सब कांवड़िए प्रभु का गुणगान करते हुए DJ बनाकर चल सकते हैं। पूरा मुजफ्फरनगर पूरी आस्था के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैं सबको बताया कि कोई खामियां नजर आई है कुछ निरीक्षण के दौरान? खामियां थी, वो सब दूर हो गई हैं। हमने प्रशासन को बताया है, कुछ दिक्कतें थी वो पिछली बार मैंने कमीशन को DO को बताया था। अब मैं अंतिम रूप से आज का निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। विधायक जी निरीक्षण किए हैं, अभी कंट्रोल रूम देखा गया है, जो भी कमियां हैं बताया गया है, कुछ एक दो जगह कैमरा बढ़ाने के लिए बताया गया है उनको, तो अभी सही हो जाएगा। कल आई थिंक उद्घाटन है, प्रॉपर ऑफिशियल उद्घाटन है, उससे पहले हो जाएगा काम।